पहले सारे ही 58 परिवार थे यहाँ पर इस गली के अंदर, अब केवल 12-13 रह गए हैं। और वो इसलिए भागते हैं क्योंकि ये कभी मीट फेंकते हैं, कभी खून फेंकते हैं, कभी भैंसे के पाए फेंक दिए थे अभी तो मेरे घर के सामने 4-5 दिन पहले। अच्छा, ये भी कह चुके हैं कि भाई हम थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे, तुम ये ऐसा मत करो, तो तुम हमारी कंप्लेंट क्यों करते हो, झगड़ा करने आ जाते हैं। हाँ, और क्या करें, जब पोस्टर भी लगा लिया, कह भी दिया भाई हम थोड़े ही दिन रहेंगे, हम तो जा रहे हैं, फिर भी वो लोग ऐसा ही करते हैं। 50-60 मकान थे जी, और आज तो 10 रह गए जी। आज 10 रह गए। हाँ जी। और वो भी सब मजबूर हैं यहाँ से? वो मजबूर हैं जी, सबने घर के बाहर शीक लगा रखे हैं। जी जी, मैंने खुद लगा रखा जी, ये मकान बेचना बेचना जी, 1-2 लाख रुपए कम या फालतू। भाई इनसे कब तक लड़ाई करेंगे ये बताओ, इतना टाइम नहीं है जी, थाने में बैठे हम रोजाना जाके, ये पैसे दे आते हैं और हमारे पैसे है नहीं। नहीं, हम तो मनोज तिवारी जी से भी मिलने गए थे, 2018 में गए, 2019 में गए, 2020 में भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आएंगे और आपकी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला अभी तक। कि यहाँ पे हो चुके हमारी संख्या कम, इसलिए मतलब ऐसा भय सा है कि यहाँ हम गली में खड़े होकर पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। अब गली में क्योंकि हमारे मंदिर है, मंदिर में आना जाना लगा रहेगा, और ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में लेडीज़ नहीं जाती, लेडीज़ भी जाती हैं, गली के बाहर खड़े होकर उन्हें ताड़ना, कमेंट करना ये सब, और पुलिस में कंप्लेंट करो, कोई सुनवाई नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम हैं ब्रह्मपुरी में, और लगातार यहाँ से ऐसी हमें न्यूज़ मिल रही हैं कि यहाँ पे हिंदू जो रहने वाले यहाँ पे घर हैं, परिवार हैं, वो यहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं। आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, आपने सिर्फ देखी है, आपको वो दर्द फिल्मों में देख के एहसास हुआ, मगर ये लोग हकीकत में फील कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जिस तरीके से ये नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, ना इनका कोई सुनने वाला है, ना इस पर कोई एक्शन लेने वाला है। सांसद हो, विधायक हो, निगम पार्षद हो, सिर्फ नाम के हैं। परिवार और अपने आप को बचाना इनके लिए बहुत बड़ी इस समय यहाँ मुसीबत बनी हुई है। आप मेरे साथ देखिए, ये सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये सभी लोग वो हैं जो यहाँ पे ऐसी मुसीबत झेल रहे हैं। हम आपकी इनसे बात कराते हैं कि ये लोग क्या दिक्कत झेल रहे हैं, आखिर ये लोग यहाँ से क्यों प्लान कर रहे हैं, क्यों जहाँ पे ये पले बड़े हैं, जिन जो यहाँ पे फैमिलियाँ हैं, वो यहाँ से प्लान क्यों कर रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे, जो कब से यहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम है सुरेश कुमार अग्रवाल, मैं सन 1985 से इस गली में रहता हूँ जी। अब लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्लान कर रहे हैं, आप भी प्लान रहने वाले हैं, आखिर ये समस्या क्यों आ रही है? ये समस्या इसलिए आ रही है सर, यहाँ पर जो है ना बहु मुस्लिम समाज ज़्यादा हो गया है, हम हिंदू समाज 12-13 घर रह गए हैं। पहले कितने थे? पहले सारे ही 58 परिवार थे यहाँ पर इस गली के अंदर, अब केवल 12-13 रह गए हैं। और वो इसलिए भागते हैं क्योंकि ये कभी मीट फेंकते हैं, कभी खून फेंकते हैं, कभी भैंसे के पाए फेंक दिए थे अभी तो मेरे घर के सामने 4-5 दिन पहले। तो इससे जो आदमी घृणा करता है, जो आदमी प्याज तक नहीं खा सकता, वो इन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ से पलायन हो रहा है, और पूरी गली के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं इतनी कि आदमी ना निकल सकता है ना बढ़ सकता है, परेशान होकर के चले जाते हैं। जिनके पास पैसा है, जब मजबूरी है किस तरीके से, वो तो कुछ चले गए, और जिनके पास है ही नहीं, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे अपना मकान बेच कर करके। इनसे वो कहते हैं तो ये सुनते नहीं हैं, प्रशासन से कहते हैं, 1-2 दिन आते हैं, फिर छुट्टी, जय श्री राम, हो गया काम। तो क्या पुलिस और MCD इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती? फैक्ट्री तो बहुत है इस गली में। कोई भी नहीं करता जी, अब भी कंप्लेंट लगा रखी है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, सब सारे विभागों को कंप्लेंट दे रखी है हम लोगों ने। कभी यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, आपने इनसे बोला, सांसद से बोला कभी? सांसद से भी गए थे जी, ये जो पहले सन 2018 में मैटर हुआ था उसके चक्कर में गए थे, लेकिन सांसद भी नहीं आए हमारे तो यहाँ पर कभी भी। सांसद कौन है आपके? मनोज तिवारी। और विधायक? विधायक अब्दुल रहमान। और निगम पार्षद? उस टाइम है अनिल गौड़। यानी विधायक
और निगम पार्षद और सांसद बीजेपी से, हाँ जी हाँ जी, और विधायक आपका आम आदमी पार्टी से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद भी लोग नहीं सुनते, हिंदुत्व की बात करते हैं मगर सुनते किसी की नहीं है, किसी की कुछ नहीं सुनवाई पड़ा जी आज तक हमारे साथ। तो कैसे रहे, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बीपी इतना हाई रहता है जिसकी कोई हद नहीं, कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुकी भाई आना, भाई को तेज मत बुझाओ, इतनी पट पट करके लेके आएंगे कि मैं तो बैठ भी नहीं पाती, बताओ नहीं प्लान करें तो और क्या करें। अच्छा ये भी कह चुके हैं कि भाई हम थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे, तुम ये ऐसा मत करो, तो तुम हमारी कंप्लेंट क्यों करते हो, झगड़ा करने आ जाते हैं, हाँ और क्या करें, जब पोस्टर भी लगा लिया, कह भी दिया भाई हम थोड़े ही दिन रहेंगे, हम तो जा रहे हैं, फिर भी वो लोग ऐसा ही करते हैं, तो ऐसे कैसे ही रह पाएंगे भाई साहब। एक बात बताइए, क्या मैं रोज डॉक्टर के बैठे रहूं, पुलिस प्रशासन किसी को भी बुला, बीट कांस्टेबल को बोला आंटी जब, अरे झगड़ा होगा मैं बोलूंगी ये लोग भी झगड़ा करेंगे, मैं तुमको फोन करूंगी तुम एक घंटे के बाद आओगे तो क्या करेंगे, मेरे बच्चे इतने डरते हैं, वो बोलते हैं माँ आप तो बोलो ही मत, चाहे सिर पे गाड़ी चढ़ा दे, मेरे तो बच्चे नहीं बोलने देते, अब करूं तो करूं क्या, ये बताइए आप। पहले हम 5 फैमिली थे, एक घर में मतलब 500 गज का प्लॉट था, 5 जने थे, और अब मेरे को अकेले को छोड़ दिया, वो लोग यहाँ से चले गए, अब मैं भी यही सोच रही हूँ भाई क्या करूँ। अच्छा उनके पास तो जुगाड़ था, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, जब अगर यही हालत रहेंगे रोज डॉक्टर के बैठी रहूंगी, करेगा कौन मेरा। तो ये नाकामी किसकी मानते हैं आप लोग, कहाँ तक जाएंगे आप, आज ये यहाँ है कल कहीं और है, हालत तो हर जगह ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे। अब जहाँ भी मतलब ऐसा होगा, अभी मैं 50 इस मकान में मैं 50 साल से रहती आ रही हूँ, कोई नया नहीं है मेरे लिए ये मकान, 50 साल से रहने वाले जब जा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि कहाँ ठिकान, और फिर मैं कौन सा बैठी रहूँगी, एक दिन तो मैं ऊपर ही भी। ये कब से हुआ? ये तो 18 के बाद तो टिकने ही नहीं दे रहे, 18 से तो हमारी पूरी गली ना ये ही हो गई है, 18 हाँ 18 तक तो हम सारे हिंदू ही थे गली में, ये 2-3 साल में ऐसा हो गया कि सभी चलेगा, पूरी गली भर गई, और जो है वो भी जाने को तैयार है, अब भाई छोटा ही ले लेंगे कहीं किराए पे ही रह लेंगे, और क्या करें, आप एक बार सोचो रोज झगड़ा करना कोई इंसानियत है क्या। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे 2-3 शादियां हुई हैं, लड़कियों की डोली तक यहाँ पे नहीं आ पाई है, ये तो आने ही नहीं देंगे। आप बताइए रात को सारी सड़क हमारी गली जाम रहती है, दोनों तरफ बाइक खड़ी रहती है, किसी की गाड़ी का तो डोली कहाँ से आएगी, आप ये बताइए ना, आप लोग भी आते हो तो ये लोग गाली बकते हैं, मीडिया वालों को किसने बुलाया। अच्छा। हाँ अगर मैं ये कह दूं मैंने बुलाया तो रात को खतरा है, मैं अपने घर में सो नहीं सकती, ये भी पूछते हैं हम लोगों से, मीडिया वालों को बुलाता कौन है, मतलब इतना डर बिठा रखा है। हाँ इतना डर बैठा रखा है, अभी भी मैं अभी आई हूँ और मेरे आगे ही D12 से वो मोटरसाइकिल लेके आया, जान करके वहाँ पटपट करके आया है और मेरी तरफ मुड़ के देखा उसने, अभी की बात है, मैं इधर आ रही हूँ वो मेरे आगे आगे आया है, हर वक्त जान का खतरा रहता है, हाँ ना इनको रात दिखती ना दिन दिखता, इतना खतरा बना रखा हमारी जान को, आप ही बताइए। इन लोगों की सोच यही है कि हम लोग जो बचे हैं वो यहाँ से चले जाएं, और ये अपने यहाँ पर अपने, इनको तो मंदिर तो चाहिए नहीं, मदरसा मस्जिद और संगमा कब्रिस्तान भी मुझे लगता है यहीं चाहिएगा इनको भी, इस गली को इन्होंने चारों तरफ से ऐसा घेर दिया है कि इस गली में रहना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। ये पूरी ब्रह्मपुरी की समस्या बनती है? हाँ पूरी ब्रह्मपुरी की समस्या बनी हुई है जी, ये पूरी ब्रह्मपुरी में इन्होंने जाल बिछा रखा है अपना, और एक एक करके हिंदुओं को तोड़ते जा रहे हैं और भगाते जा रहे हैं, उन कोई मकान नहीं बेचता तो उनके घर पर ज़बरदस्ती जा जाके उनको ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उनको मकान बेचना ही पड़ जाता है। घर में प्रोग्राम हो, कोई शादी विवाह हो, तो उस समय इन लोगों की क्या पोजीशन हो? उस इस गली में यहाँ हिंदू लोग प्रोग्राम करते ही नहीं डर की वजह से, सब बाहर ये लोग, इनके प्रोग्राम सारे होते हैं, दोनों तरफ बाइक के खड़ी कर देंगे और अपना प्रोग्राम चालू रखेंगे, ये तो है, डीजे भी लगता है और रात के 1-1 बजे तक डीजे चलता है, और यही सारी प्रॉब्लम है, बाइकें देखो आप खड़ी रहेंगी, रात को फैक्ट्रियां चलती है, हम सो भी नहीं पाते हैं, हमारे पीछे भी है बराबर में है, पूरी रात यही काम होता है इनका, मतलब इनके सारे काम होंगे, सारे हाँ, सब कुछ होगा, हाँ, और हमारा नहीं होगा, और आप लोग कुछ नहीं, हम नहीं करते, गेस्ट भी नहीं आते इसीलिए कि तुम्हारे यहाँ तो ट्रैफिक ही इतना है और फिर गाड़ियां नहीं निकलने देते हैं गली में से, हो सकते क्योंकि दोनों तरफ बाइकें लगा के रखते हैं,
अब गली के बाहर मकान बन रहा है, उसने घेर दिया, तो दूसरी तरफ बाइकें हैं, तो हमारी तो गाड़ियां भी नहीं निकलती। किसी को परेशानी भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हारी बीमारी हो, तो हम फटाफट निकल के नहीं जा सकते हैं वहां से। ये दिक्कत है, पहले तो बाइकें हटवाओ, आधा घंटा में तो गाड़ी निकालने में लग जाता है इन लोगों के संग। हॉर्न देते रहो, आएंगे नहीं, बहुत देर में आएंगे निकल के, यही सारी प्रॉब्लम है। बस यही सोच, अब क्या करें, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। पूरी गली हिंदुओं की थी, अब 12 घर तो मुश्किल से बचे हमारे। और कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नहीं सहारा देता, कोई नहीं आता, कोई नहीं सुना। हाँ, कहने के लिए, हाँ वोट वोट के हैं बस, आएंगे जब वोट दे दो, बस कुछ भी नहीं हो रहा है। सपोर्ट करता तो हमारी भाई साहब ये हालत होती। आप एक बात खुद सोचिए, अगर हमारे पास कोई सपोर्ट होती, कोई आता, तो ये हालत हमारी होती? किसी गेस्ट को भी बुलाएं, वो भी नहीं आता, कि भाई कन्वेंस कहाँ खड़ा करेंगे। एक ही गली के नुक्कड़ पे देखिए, टीन लगा दी है दोनों। हाँ, अभी जाएंगे आप तो देखेंगे, दोनों तरफ खड़े मिलेंगे, वो दुकानदार ने ही किसी किसी को खड़ा कर रखा है, रेडी लगवा रखी है। मतलब ये सोची समझी साजिश है कि हमें ये कब्जा करना ही करना ही लगा। हाँ, और क्या है ये। और बात ये भी ठीक है कि कहाँ जाओगे, ये लोग कहाँ नहीं होते, लेकिन यहाँ से तो मुक्ति मिलेगी ना, फिर देखेंगे जाके आगे क्या होता है। अब तो जाना ही पड़ेगा ना, जब कोई गेस्ट भी नहीं आएगा तो। हाँ, प्रशासन तो आता ही नहीं, बल्कि थाने में भी जाओ ना, एक घंटे बैठ के आ जाओ आप, कुछ होने वाला नहीं है। कोई नहीं सुन, ये लोग पैसे दे देते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम भर के आए वहाँ, तो जब हम पैसे नहीं देंगे, हमारी सुनाई नहीं होगी। और रात को लेके सीलमपुर से आना पड़ता है, वो अकेली इसीलिए नहीं आती कि रिक्शों में मैं अकेली कैसे आऊंगी। सुबह छोड़ के आएंगे, शाम को लेके आएंगे उसे मेट्रो से। मतलब इतना डर है। हाँ जी, अनसेफ महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी को हमें लेके आना, जो आना सारा। तो मतलब अब ये लास्ट आप लोगों के पास ऑप्शन है कि यहाँ से घर छोड़ के बस मकान बेच के जाना। ये तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ से निकले ये लोग सब। और ये क्या ब्रह्मपुरी में भी ऐसा हर इलाके में दिख रहा है आपको? हाँ, हर इलाके में ही दिख रहा है, पूरी ब्रह्मपुरी में है ये। पहले और गलियों में नहीं था, अभी सब गलियों में यही हाल हो रहा है। तो इन्होंने अपनी बना रखी हैं, ये हमारी कुछ गलियां इन्होंने अपनी कर दी हैं, कुछ रह गई हैं उन्होंने भी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, परंतु अभी बताइए हम कहाँ जाएं। पूरी ज़िंदगी यहाँ कट गई है, बच्चों की शादियाँ भी नहीं हुई हैं, अब इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। हमारा तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, जबकि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे। हिंदू संगठन बहुत से हैं, वो कहते हैं हम हिंदू के साथ हैं, कभी कोई आपसे मिलने? कोई संगठन काम नहीं करता यहाँ पे, सभी लोग पता लग, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इनसे डरते हैं, तभी हिंदू संगठन भी यहाँ पे कोई नहीं आता है। खूब न्यूज में भी निकलती है, खूब पता लगती है सबको, कोई साथ नहीं दे रहा हमारा, सिर्फ शोर करते हैं। हाँ जी, कहते हैं कि डीजे बजा के कहते हैं हम राम के हैं। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ बस खुद नहीं आते, खुद किस, खुद नहीं है, यह तो केवल कागजों का काम है और कुछ नहीं है बाकी है। कहने वाली बात। हाँ बस, या तो बोलते रहते हैं या कागजों में करते रहते हैं, सपोर्ट किसी का किसी को नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि कभी लोग गली में आके खड़े हो कि हम आपके साथ हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ। कोई संगठन, कोई हिंदूवादी, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, कभी नहीं आया कोई। इतना खबर उठने के बाद, हाँ, करने के बाद कोई नहीं, कोई नहीं आता, यानी सिर्फ नाम के, नाम के जी। सुबह का टाइम था जी, दोनों तरफ मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और गाड़ी में माल भी उतर रहा था, एक कारखाना भी आया था, तो इस वजह से हमने पहले उतारी थी डोली। तो वो मतलब एक टारगेट के रूप में था या ऐसा था कि मजबूरी में आपको? टारगेट के रूप में ही था जी, उनको पता थी भाई डोली आएगी, पहले गली बंद कर दी उन्होंने, दोनों तरफ मोटरसाइकिल लगा दी, फिर कारखाना आया, फिर माल आया, किसी का माल गया। तो कभी ऐसे नहीं होता कि चलो यार किसी गली मोहल्ले में बहन बेटी की शादी है तो थोड़ा सा? नहीं 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 नहीं, इनके प्रोग्राम होंगे तो पूरी गली घेर लेंगे। अभी कल परसों भी प्रोग्राम हुआ है, दोनों तरफ से गली बंद कर दी, मोटरसाइकिल लगा दी थी, निकलने को जगह नहीं छोड़ी थी। आप लोगों के प्रोग्राम में नहीं? हमारे में कोई नहीं, हमारा तो बाहर ही होता जी प्रोग्राम, सिर्फ इसी कारण से जी, यहाँ हो भी नहीं पाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सोच रहे थे हनुमान चालीसा का पार्टी वार्ट करवा में, पर इनकी वजह से नहीं करवाते, कोई जगह ही नहीं रहती है, दोनों तरफ मोटरसाइकिल और गाड़ी वाड़ी आती रहे, उतरती रहे। ऐसे में फिर क्या बचता है, क्योंकि आप लोग कहाँ तक अपने आप को भगाएंगे?
एक दिन तो दिल्ली भी कम पड़ेगी, पूरा भारत कम पड़ेगा। अब भागना तो पड़ेगा जी, प्रशासन सुनता नहीं जी। मगर जब आपकी यहाँ पूरी फैमिली थी तो ये क्या इस गली में सारे हिंदू रहते थे? सारे हिंदू और बनिया थे जी। हाँ जी, पंडित और बनिया थे जी। कितने मकान रहे होंगे पूरे? 50-60 मकान थे जी। और आज? आज तो 10 रह गए जी। आज 10 रह गए? हाँ जी। और वो भी सब मजबूर हैं यहाँ? वो मजबूर हैं जी। सबने घर के बाहर शीशे लगा रखे हैं? जी जी, मैंने खुद लगा रखा जी। ये मकान बेचना? बेचना जी। 1-2 लाख रुपए कम या फालतू? भाई इनसे कब तक लड़ाई करेंगे ये बताओ, इतना टाइम नहीं है जी। थाने में बैठे हैं रोज आना जाके, ये पैसे दे आते हैं, हमारे पैसा है नहीं। पुलिस वाले कुछ नहीं करते? पुलिस वाले कुछ नहीं करते जी। आप ही लोगों को उल्टा बिठाते हैं? हाँ जी। परेशान करते हो, फिर जी थक हार के वापस चले आते हैं? आते हैं जी, क्या करें। उसके बाद फिर? उसके बाद कुछ नहीं जी। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई कुछ नहीं। अब इस समस्या का समाधान क्या? आप लोगों को सोच रखा है कि यहाँ से जाना ही जाना है? वो तो जाना ही पड़ेगा, जब 2018 से इतने परेशान हो गए हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और जब भी कभी, जैसे 2018 से देखिए अभी तक लगातार, कभी 76 में था, फिर उससे पहले 83 में था, अब D19 में हो गया, D18 में मदरसा चल रहा है उधर, है ना, और D19 में निवाज पढ़ी जा रही है या जो भी है, तो उस हिसाब से तो ये परेशान करते रहते हैं, तो फिर जाना ही पड़ेगा, और क्या करें। तो यहाँ पे विधायक, यहाँ पे सांसद आपके बीजेपी से हैं, निगम पार्षद आपके जो हैं वो बीजेपी से हैं, तो क्या मनोज तिवारी या अनिल गौड़ ये नहीं सुनते आप लोग? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाले होते तो ये 2018 से अब तक इतने लोग गए हैं, उनको हमने भी कोशिश करी कि भाई जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, जब कोई सुन ही नहीं रहा, ना निगम पास से सुनता है, न विधायक सुनता है, न MP सुनना है, जब कोई सुनता नहीं है, हम चिट्ठी भी बहुत जगह भेज चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वो फिर लोग जाएंगे कैसे, रोक सकते हैं उनको। अब ऐसे नेता को क्या करना चाहिए, ऐसे जो नेता काम का नहीं है, जो आप लोग के सपोर्ट में नहीं खड़ो सकता, बात हिंदुत्व की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जब टाइम होता तो आप लोग साथ खड़े नहीं होते, ऐसा क्या है इनका इलाज? भाई इलाज क्या है, इलाज तो वैसे ही हो जाएगा जब सब लोग यहाँ से भागने लगेंगे, हिंदू रहेगा नहीं, इनको वोट मिलेंगे नहीं, तो भाई जीतेंगे कहाँ से, तो ये तो अपने आप ही अपने वोटों को खो रहे हैं, ये मतलब हिंदुओं के लिए कोई सोच ही नहीं रहे, तो नहीं सोच रहे तो फिर इनको भी हारना ही पड़ेगा, इधर तो पक्का ही हारना है, क्योंकि हिंदू बहुत कम हो गया इधर, हमारी गली में 47 घर थे हिंदुओं के, 13 रह गए, और 78 मोहम्मदन हो गए, तो फिर क्या होगा, कौन वोट देगा भाई, वोट तो मिलेंगे ही नहीं, तो वोट नहीं मिलेंगे तो हारेंगे ही, ये तो 100% पक्का है ही है। मतलब अपनी जड़ें खुद खोद रहे हैं, अपने वोट बैंक अपने हिंदुत्व को कहने वाले उनका सपोर्ट करते नहीं है, और दूसरे पक्ष इनको वोट देगा नहीं, तो दूसरा पक्ष तो देता ही नहीं, वो हिंदू ही देता है, और हिंदू भी इसीलिए देता है कि ये कुछ करेंगे, आगे काम करेंगे, लेकिन 2018 से और अब तक इन्होंने कोई काम, मतलब हमारी गली के लिए तो कोई काम किया नहीं, और हमारी गली में तो इतनी समस्या है, बंद गली है ये, एक तरफ से हम आ सकते तो दूसरी तरफ जा नहीं सकते, और 15-15, 20-20 मिनट हमें लग जाते हैं इस गली में से निकलने में, क्योंकि आप हॉर्न भी बजाते रहोगे तब भी कोई आएगा नहीं, कि 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान हैं, कोई उतर के आता ही नहीं है, तो अपने आप उतरो, फिर रात को अगर अकेले आए हो तो उसमें डर भी लगता है कि कोई कुछ निकाल न ले गाड़ी वगैरह में से, उनकी मोटरसाइकिल स्कूटर को हटाओ, फिर आप निकलोगे, और उसमें भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अकेले हटा भी नहीं सकते हो, तो सांसद यहाँ पे आए, कभी यहाँ पे निगम पार्षद आए आप लोगों से मिलने? नहीं, कभी नहीं आए, कोई भी नहीं। ये समस्या तो पहले से उठ रही है, आप लोगों ने लेटर भी दिए हैं, उनको मैसेज भी किए हैं, आप मिलने भी गए हैं, उसके बाद भी नहीं आए लोग? तो हम तो मनोज तिवारी जी से भी मिलने गए थे, 2018 में गए, 2019 में गए, 2020 में भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आएंगे और आपकी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, मतलब सिर्फ नाम के सांसद हैं, काम वाली बात नहीं आ रही कोई भी, नहीं कोई कोई कुछ फला भरा हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब वो हिंदू भाई हिंदू है, हिंदू वोट बीजेपी को ही देता था, अगर जब कम हिंदू रह जाएंगे तो अगर हम वोट भी देंगे तब भी नहीं जीतना है, उन्होंने जीतेंगे कहाँ से जब लोग ही नहीं रहेंगे इधर, और सबको जाना तो पड़ेगा ही।
पर जाना इसलिए पड़ेगा कि समस्या इतनी है, कोई समस्या को हल ही नहीं कर रहा। अगर 40 घर हैं तो 20 घरों में फैक्ट्री होंगी, वो भी ऐसी हैं कि क्या नाम है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब ये एक एक घर के अंदर 50-60 लोग। हाँ, और उतनी ही पार्किंग गाड़ियों की, उतनी ही पार्किंग गाड़ियों की पूरे टाइम वो आ रहे हैं, टेम्पो वेम्पो आ रहे हैं। और जो बाकी के 20 घर हैं उसमें भी ये नहीं है कि कम जने रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं उसमें, इतने 25-25, 30-30 जने, और कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, पूरे टाइम वो आना जाना रहेगा, कोई शोर मचा रहे हैं। और फैक्ट्रियों के तो आपको पता है पूरे टाइम ही खुड़ 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 होती रहती है, और ऐसे कर रखे हैं इन्होंने बंदे कि आधे बंदे सुबह काम करेंगे आधे शाम को काम करेंगे, तो पूरे टाइम ही शोर मचता रहता है। जो आसपास जो पढ़ रहे हैं वो बंदे, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देखिए वो कहाँ जाए। वो आप जो पढ़ाई करते हैं, आप लोग यहाँ पे जब जॉब के लिए निकलते होंगे घर के फैमिली के लोग, उस समय कैसा डर रहता है आप लोग के दिल दिमाग में, कहीं जो लैपटॉप साथ में वो ना छिन जाए, गाड़ी से जिससे जा रहे हैं वो ना छिन जाए। छीना झपटी मारपीटाई लड़ाई झगड़ा ऐसा भी होता है आप लोग यहाँ पे? आधे से ज़्यादा केस मारपीट छीना झपटी के ही हैं, जो करता कौन है, यही लोग यही करते हैं। मेन इनका तथ्य ये है, धीरे धीरे हमारे हिंदुत्व को ख़त्म कर दें, हमारी गलियों में धीरे धीरे घुसेंगे, गली के रेट खुद पे खुद डाउन होंगे, जो डाउन होंगे जो 2-3 घर हिंदू के रहने उन्हें गर्जू समझ के, मतलब गर्ज है इन्हें, ये बेचेंगे 1 करोड़ के 30-35 लाख दे रहे हैं। अब 30-35 लाख लेके इंसान जाएगा किसी ढंग के एरिया में जाएगा तो वहाँ फ्लैट ही मिलेगा, और फ्लैट में ऐसे गली मोहल्ले में हिंदुत्व के त्यौहार मनते हैं, वो त्यौहार नहीं मनेंगे, आने वाली जनरेशन देखेगी नहीं कुछ कि क्या होता है हिंदू। अब ऐसे घर में पूजा है, घंटी की आवाज़ भी नहीं आप बजा सकते। देखो जी, अभी आप सेफ हो तो सिर्फ अपने घर में पूजा करने के लिए, बाहर इस एरिया में बाहर पूजा करने के लिए आप सेफ नहीं हो, कभी भी आपके ऊपर पथराव हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है हमारी संख्या कम, इसलिए मतलब ऐसा भय सा है कि यहाँ हम गली में खड़े होकर पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। अब गली में क्योंकि हमारे मंदिर है, मंदिर में आना जाना लगा रहेगा, और ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में लेडीज नहीं जाती, लेडीज भी जाती हैं, गली के बाहर खड़े होके उन्हें ताड़ना, कमेंट करना ये सब, और पुलिस में कंप्लेंट करो, कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस मूव कर सके? पुलिस आएगी अपना, अगर उन्हें ऐसा मामला लगेगा कि यहाँ ऐसा है मामला थोड़ा गर्म वाला, आएगी जहाँ 15 मिनट का काम है वहाँ आएगी 45 मिनट में पुलिस, और आके नज़र मारी, चलो वे चलो घर में, चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, पुलिस गई अपने घर। तो यानी आप लोग एक डर के माहौल में जी रहे हैं? डर के माहौल में जी भी नहीं रहे हम, मतलब एक ऐसा है बस घर से निकलने पे भी हमें पाबंदी है एक तरह से। जब घर की फैमिली की लेडीज बाहर निकलती हैं तो क्या उसमें डर रहता है? डर नहीं रहता, हमें साथ में जाना पड़ता है उन्हें लेके कहीं मंदिर में दर्शन कराने, सब्जी दिलवाने, या तो ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद ही करते हैं काम, और फिर उससे अपना व्यवसाय नहीं कर पाते, मंदिर वर्दिन दर्शन करवाने को ले जाना पड़ता है तो उनके साथ जाना पड़ता है, अकेले भेजने लायक नहीं है अभी, ऐसा माहौल है। और पहले जहाँ तक हम देखते थे औरतें अपने हंसी खुशी होली का दहन करती थी, तरह तरह के त्यौहार मनाती थी, अब वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कई गलियाँ ऐसी हैं जो पहले थी जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार मनाए जाते थे बड़े धूमधाम से, रामनवमी मनाई जाती थी। अभी आप देख सकते हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में हमारा 2 मंदिर थे, हमारी 6 नंबर में जो बालाजी एक मेन मंदिर है यहाँ का, वहाँ से शोभा यात्रा वहाँ पर जाती थी, शोभा यात्रा तो 13 नंबर से होते हुए जाती थी, एक मंदिर तो वहाँ टूट गया है, और शोभा यात्रा ये आपके कोरोना काल से 1 साल पहले तक शोभा यात्रा वहाँ से जा रही थी, अब उसके बाद 10 नंबर से जाने लग गई है शोभा यात्रा। अब धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि 10 से भी ना जाए, अब यहाँ कोई गली बची नहीं है, तो शोभा यात्रा धीरे धीरे निकलनी बंद हो जाएगी। अब शोभा यात्रा वाले दिन माहौल आपका ऐसा था कि एक ब्रह्मपुरी गली नंबर 10 के आगे बैरिगेट लगा दिए गए थे, यहाँ से आगे आप अब नहीं बढ़ सकते, और कौन करेगा बैरिगेट, हम तो लगा नहीं सकते, मतलब उन्होंने ये आपको जगह दे दी कि आप यहां से निकल के बस यही खत्म कर लीजिए। जी, कि 10 नंबर से निकल के अपने मंदिर में जाओ और अपने अपने घर जाओ। मतलब त्योहार पुलिस भी नहीं मनाने दे रही, ये लोग भी नहीं मनाने दे रहे, यानी मजबूरी हो गई आप लोगों की, अब यहां से निकलना ही है, अपनी फैमिली के घर इज्जत तो मान सम्मान चाहते हैं। क्या करें, अब हमारी फैमिली मान सम्मान अपने हिंदू धर्म में बहन बेटियों का मान सबसे ऊपर होता है, सर कट जाए पर बहन बेटियों की लाज ना जाए, ऐसी हमारी मान्यता है, तो हमें मजबूरन कहीं ना कहीं अपना पलायन करना पड़ता है, चाहे अपनी झुग्गी झोपड़ी में रह लेंगे पर अपना हम अपनी लाज नहीं जाने देंगे। जिस बात की ये यहाँ की यूनिक समस्या नहीं है,
पूरे जमुना पार क्षेत्र में अगर देखेंगे आप, गौतमपुरी इसके साथ में सटता हुआ इलाका है, मौजपुर में भी यही समस्या होने लगी है, पीछे बुद्ध बाजार वाली साइड में भी यही वाली बात हो गई है। और अभी आप इन लोगों से बात करेंगे, हमें आश्चर्य हुआ कि सामने वाले क्षेत्र में भी कई हिंदू मंदिर थे, वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ पे हिंदू संख्या काफ़ी अधिक थी। अब उन मंदिरों का क्या आश्रय वो बताना बहुत अपमानजनक होगा हमारे लिए भी। अभी आपने इनकी बात सुनी, अब आप खुद सोचिए, बड़े बड़े दल, बड़े बड़े संगठन दावे तो बहुत करते हैं, हिंदुत्व के लिए कहते हैं जागिए, हिंदू जाग चुका है, मगर सांसद बीजेपी का, निगम पार्षद बीजेपी का, और इन्हीं हिंदुओं के वोट पे ये जीतते हैं, मगर जब बात इनकी सुरक्षा की और रक्षा की आती है तो ना उनके कान पे जू रेंगती है, ना वो कभी यहाँ मिलने और देखने आते हैं। पिछली बार जब यहाँ से सांसद मनोज तिवारी जीते थे, तो उसके बाद जब वो दोबारा 2019 में इलेक्शन लड़े हैं, तो जब डबल मार्जिन से जीते हैं और वोट था बीजेपी का हिंदुत्व, मगर कब तक मोदी और योगी के नाम से आप लोग अपना वोट बैंक बनाएंगे और जीतेंगे? अगर हिंदू ये लोग ऐसे वोट बैंक आपका खिसक सकता है, ये लोग अगर प्लान करते हैं, तो आप सोचिए आपको जीत के भी लाले पड़ जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपको इनके यहां से हटने से, इनको सुरक्षा ना देने से आपकी सीट चली जाए और आप एक्स निगम पार्षद, एक्स एमएलए या एक्स एमपी रह जाएं। एन भारत टीवी, ब्रह्मपुरी।